तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ आज घूमने ताकि मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छा ब्लॉग बना सकूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें और मुझे देखें, मेरे वीडियोज़ को देखें, और वीडियोज़ देखें तो मुझे भी देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ पर आया हूँ, ये जो जगह है ये कितनी सुंदर है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये जगह इतनी सुंदर क्यों है। तो ये जगह इतनी सुंदर इसलिए क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये लगा इसको बनाने के लिए। और ये जो जगह लोग बनाए हैं, जिन्होंने इनकी जो घर है जिनका, वो यहाँ पे है नहीं, वो सारे लोग कनाडा में हैं। तो अभी फ़िलहाल ये घर खाली है, इसमें कोई नहीं रहता है। तो आप सोचिए, हम जैसे लोग सोचते हैं यहाँ पे रहने के लिए, और इन लोगों के लिए ये घर बना हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊँगा कि ये घर कितना अच्छा है, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा घर है और कितना खूबसूरत है। ये गिल रेसिडेंस का, सरदार जी का घर है, काफ़ी खूबसूरत है। अंदर तो फिलहाल अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि कुत्ते होंगे बहुत तगड़े तगड़े। तो ये खूबसूरत घर है और जो है इसके अंदर अभी कोई रहता नहीं है, ये पूरा टाइल्स लगा हुआ घर है, काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। और मैं भी एक वहाँ खड़े होकर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, दृश्य अच्छा आएगा। दोस्तों, ये जिसका भी घर है बहुत अच्छा है, और मैंने आपको बताया किसका है। तो ये मेरे जैसे तो सपनों का घर है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये घर सपनों का। आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मैं भी एक ऐसा घर ले सकूँ। तो भैया, जाइए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एक बटन ही तो दबाना है आप लोगों को, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। बस गए, क्लिक किया, बस दबाया, मेरा काम हो जाएगा, आप लोग बटन दबा देंगे। और आप सबको भी मैं निवेदन यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग भी ब्लॉग चैनल स्टार्ट करें या फिर यूट्यूब पर काम स्टार्ट करें, है कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ख़ुद भी अच्छा काम कीजिए। थैंक यू गाइस। और हाँ, भूलिए मत कि मैं अभी जा रहा हूँ ऐसी जगह जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है, शिव जी का मंदिर है गोला। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आज वीडियो बनाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से। तो भैया जो है वीडियो को देखना पूरा, ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो को ना देखें और मैं मेहनत करता रह जाऊँ, हैं। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा घर में आते हैं आप, जो बाबा जी के साथ आते हैं, यहाँ पे कथा वगैरह होती है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मेला लगता है। इसी मंदिर को यहाँ पे इनके इसलिए बनाया है कि एक ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे जब ब्राह्मण इसको शिवजी को लेके जा रहा था, तो शिवजी कह रहे थे कि अगर इसको कहीं पर रख दिया तो ये उठेगा नहीं। तो जब यहाँ पे शिव उसने रावण ने लघु शंकर के कारण इसको यहीं पर रख दिया था, और तब से ही यहीं पर रखे हुए हैं शिवजी, तब से आज तक उठे नहीं हैं। तो शिवजी तो मेरे ख्याल से उधर होगा, पर यहाँ पे जो है मंदिर है और बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ जी, देखिए ये मूर्ति दिख रही है, शिव जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। और वहाँ पे वो पुराना मंदिर दिख रहा होगा, वो उस तरफ वो पुराना मंदिर है वहाँ पे, वहाँ पे शायद होगा शिव जी का। मैं तो वहाँ पे आया था नहीं हूँ, और यहाँ पे कथा वगैरह होती रहती है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे कथाई का प्रोग्राम होता है, कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं, कथा वगैरह होती है। तो हमारे साथ जो है तो वैसे ही है गोला गोकरनाथ मंदिर, जो बड़ा ही हमारे प्रसिद्ध है गोला में, बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ, बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने के लिए। दर्शकों की जो है भीड़ लगी रहती है, दर्शक लोग आते रहते हैं यहाँ, जो है दर्शक काफ़ी आते हैं और भीड़ काफ़ी अच्छी लगी रहती है यहाँ पे। और बहुत अच्छा प्यारा मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग कथा वथा सुनने आते हैं। ये देखिए, श्राद्ध चल रहे हैं तो कथाएं हो रही हैं, रास्ता छोटा ही है। ये इस चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है, जैसे कि जब दोस्तों चलिए चलते हैं, जो है नीचे पता नहीं कितना पवित्र पानी होगा, इसमें पानी में थोड़ा हाथ वाथ धो लेते हैं, थोड़े बहुत गंदे पाप होंगे वो भी धुल जाएंगे। ये नीचे पानी है, वैसे तो जूते पहन के शायद जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाथ धो लूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा ताकि जो है मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, और आप लोग जो है मेरा यूट्यूब चैनल चलाने में मेरी मदद करें। और मैं अभी तो फिलहाल है बोले मेरी मदद करना, मुझे तो लगता है ये कि गहरा यहाँ पे तो नहीं है, अंदर होगा। ये शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है ना, बहुत ही सुंदर है,
और ऐसा मन कर रहा है कि मैं उसको वहाँ जाके छूँ, एक बार टच करके देखूँ। काफ़ी सुंदर दृश्य है देखने के लिए। और यहाँ पे भीड़ जो है अभी कम ही है, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे मेला नहीं चल रहा है, बस नॉर्मली लोग आए हुए हैं। और मैं अम्बावा से इसलिए इतनी भीड़ है, जब यहाँ पे मेला चलता है ना तब यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। फिलहाल अभी तो जितना है हो सकता है उतनी भीड़ है। और जो है मैंने चलो ये पानी हाथ में लेके भगवान के सामने मांग लिया, हे भोलेनाथ मेरा यूट्यूब चैनल चलाने में मेरी मदद करें। और मैं वापस आऊँगा जब मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। जय हो महादेव। तो आप लोग भी सपोर्ट करें और जाएं ना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। बोलना तो एक जरिया है, असली रास्ता तो आप लोग हैं। आप लोग सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। तो प्लीज़ सपोर्ट ना और ज़्यादा सब्सक्राइब ना। थैंक यू।